आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर में हीडर फूटर के बारे में जानेंगे। तो हम बारी बारी से सारा वीडियो सब बना रहे हैं और पीछे का कुछ वीडियो सब बनाया है। पिछले क्लास में हम चार्ट के बारे में बताए थे कि चार्ट क्या है, नहीं है, कैसे है। आशा करते हैं आप लोग उसको देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। और आज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इंसर्ट के अंदर में यहाँ पे एक हीडर फूटर दिया हुआ है, ये हीडर फूटर का क्या फंक्शन होता है, हम लोग हीडर फूटर को यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात होती है कि हीडर फूटर है क्या। तो हम लोग हीडर फूटर का मतलब होता है कि पेज के ऊपर वाले भाग को हम लोग हीडर बोलते हैं, पेज के नीचे वाले भाग को हम लोग फूटर बोलते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम लोग सारा काम कर लिए, हमारा एक पेज तैयार है, हमको इसको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने से पहले हम चाहते हैं कि इसमें पेज नंबर डालें, हम ये चाहे कि हम हमारे हीडर में ऊपर में हमारे ये चीज़ प्रिंट करें, फूटर में हम कुछ और चीज़ चाहते हैं ताकि हमको हर एक पेज पे वो दिखाई दे। इसके लिए हम लोग हीडर फूटर का कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। ये हीडर फूटर हम लोग चाहे तो शुरू में यूज कर सकते हैं या चाहे तो बाद में यूज करते हैं। शुरू में यूज कर सकते हैं कि आप फाइल बनाने से पहले भी आप हीडर फूटर डाल के काम कीजिए, जितना पेज बढ़ेगा ऑटोमेटिक आपका ये पेज नंबर बढ़ते जाएगा। दूसरा कंसेप्ट है कि आप बना लिए, सपोज कीजिए कि 100 पेज 200 पेज 400 पेज आप बना लिए, तब पता चला कि जा हमको इसमें पेज नंबर डालना है, तो पेज नंबर कैसे, तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक पेज ब्रेक के हिसाब से पेज नंबर के हिसाब से ये ले लेगा। तो यही कंसेप्ट हम लोग को आज करके समझना है, देखना है कि हीडर फूटर क्या है, हम लोग इसको कैसे वर्क करेंगे, कैसे इसका यूज करते हैं। तो हमारा एक फाइल यहाँ बना हुआ है, आप बना के भी रख सकते हैं आप, या फाइल होगा तो नहीं है तो बनाइए। तो इसी पेज पे हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग हीडर फूटर का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है हीडर एंड फूटर। आप पढ़ सकते हैं, कई इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है कि हम लोग हीडर वाले भाग को ऊपर टॉप को हीडर बोलते हैं, बॉटम नीचे वाले भाग को उसको हम लोग फूटर बोलते हैं। उसी का बारी बारी से यूज करके हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से हम लोग हीडर फूटर खोलते हैं तो हमारा एक ऑप्शन ऐसे दिखता है, हीडर लिखा यहाँ पे लिखे हुए है गो टू फूटर, माने फूटर पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे में आएंगे, गो टू हीडर करेंगे तो ऊपर में आएंगे। सपोज कीजिए कि हीडर में हमको यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं, यहाँ पे ग्लोबल लिख देते हैं, ग्लोबल कंप्यूटर लिख देते हैं, और हम चाहते हैं कि फूटर में हमारा पेज के नीचे में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर या मेरा एड्रेस दिखाई दे, तो हम लोग लिखते हैं नियर RDS कॉलेज। ये हम चाहते हैं कि हमारा पेज नीचे में दिखाई दे, तो आप इसको ऊपर करके चलिए फुटर में, अब अलग कहीं क्लिक कर दे तो देखिए मेरा ही दिखा। तो एक पेज के नीचे में भी देखिए, यहाँ पे इस पेज के नीचे में दिखा, मेरा दूसरा पेज ब्लैंक है फिर उसके दिखे दिखा। तो इस तरह से हर एक पेज के हीटर में फुटर में दिखेगा। हमारे पास फाइल कम है तो इसको हम कॉपी पेस्ट करके कुछ बढ़ा लेते हैं, समझने में आसानी होगी। हम दूसरे पेज में आते हैं, यहाँ पे इसी चीज़ को हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं, फिर दो तीन पेज बनाते हैं। ये हमारा रहा, ये देखिए, तो हम तीन पेज बनाए और तीनों पेज में मेरा देखिए ग्लोबल कंप्यूटर आपको हीटर में दिख रहा है और उसके फूटर में आपको RDS कॉलेज दिख रहा है। तो ये हमारा हीटर फूटर का कंसेप्ट हो गया, हीटर में डालेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें से अपने सुविधा से भी डाल सकते हैं, सपोज कीजिए कि हम कोई नहीं चाहिए, या हमको हीडर में यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पेज नंबर, नंबर ऑफ पेज, करेंट डेट, करेंट टाइम, फाइल पाथ, सीट नेम, ये सब चीज़ हम लोगों को यहाँ पे डालना है, हम डाल सकते हैं। सपोज कीजिए हम लोगों को पेज नंबर डालना है तो पेज नंबर डाल देते हैं और ये डाल दिए हम और इसको ओके करिए। देखिए पेज वन ले लिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं पेज टू आपको यहाँ पे ले लिया, पेज थ्री देखिए आपको यहाँ पे ले लिया। इस तरह से हर एक पेज में पेजिंग हम लोग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि इस साइड में हमारे इस कॉर्नर साइड में नंबर ऑफ पेजेस शो करें, मतलब ये कि हमारे पास टोटल पेज क्या है। सपोज कीजिए तीन है, हर एक पेज में तीन दिखेगा, चार रहेगा तो हर एक पेज में चार दिखेगा, तो नंबर ऑफ पेज का मतलब वही होता है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। और फिर अलग आप क्लिक कीजिए, देखिए पेज नंबर तीन दिखा, तो हर एक पेज में तीन तीन दिखेगा। इसका मतलब होता है कि कोई 20 से अगर कोई पन्ना हटा भी देगा तो आपको पता चलेगा कि टोटल इसमें पेज तीन था, एक 20 से नहीं है या है। तो इसके लिए हम लोग हीडर फूटर में ये डाल के हम लोग तीनों कंसेप्ट को करके देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है करेंट डेट, करेंट टाइम, फाइल का पाथ दिया हुआ है, फाइल नेम दिया हुआ है, ये सब चीज़ भी आप चाहे तो हम लोग चाहते हैं। सपोज कीजिए कि ये नीचे में हम लोग चलते हैं फूटर में, फूटर में भी वही कंसेप्ट रहता है। इस साइड में हम चाहते हैं कि हमारा डेट शो करे,
यहाँ पे इस साइड राइट साइड में यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा टाइम शो करे, तो फिर आप अलग क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा ऊपर में ये हो गया, हमारा फुटर में हम ये सब चाहते हैं। तो आज का मेरा डेट है 1/12 जो भी है, और टाइम जिस टाइम में हम बना रहे हैं वो हमारा टाइम फुटर में ले लिया। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से हीडर फुटर का यूज़ करके हम लोग देख सकते हैं या डाल सकते हैं। तो ये आपको फिर हीडर फुटर खोलिए, इसमें इसके हिसाब से देगा। तो आपका पेज नंबर, नंबर ऑफ पेज, करेंट डेट, करेंट टाइम डाल दिए। फाइल का पाथ डालना है तो आप चाहे तो डाल सकते हैं। फाइल नेम, हम चाहते हैं कि पेज नंबर के साथ साथ हमारा, सपोज कीजिए कि थोड़ा सा इसको आप हटा के नहीं चाहिए इसको, तो आप चाहे तो फाइल नेम यहाँ पे डालें, तो जो भी फाइल नेम रहेगा आपको दिखेगा हमारा ये फाइल नेम है। तो हर एक पेज के हीडर में आपको इस टाइप से देखिए ये जो सेव करके रखे हो आपको हीडर में दिखेगा। इस तरह से आप ये फाइल नेम भी डाल सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा हीडर फुटर का कंसेप्ट रहता है। दिया हुआ है गो टू फुटर, गो टू हीडर, ये फुटर करेंगे तो नीचे जाएंगे, हीडर करेंगे तो आप ऊपर आएंगे, इसके हिसाब से रहता है दिया हुआ। इसी में कंसेप्ट में यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट फर्स्ट पेज, आप चाहते हैं कि डिफरेंट फर्स्ट में दे, डिफरेंट ऑर्डर एंड इवेंट पेज में दे, उसके हिसाब से स्केल विथ है, लाइन विथ मार्जिन, ये सब आपको यहाँ पे सेट ऑटोमेटिक रहता है। आप जैसे चाहें उसके हिसाब से, नहीं चाहिए तो जनरल वे में जैसा चाहेंगे वैसा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सीट का नेम है, सीट का नेम भी आप डाल सकते हैं इसके जगह पे, तो उसके हिसाब से आपको सीट के नेम भी डालेगा। सपोज कीजिए कि हमको ये नीचे में चाहिए, हमको फुटर में चाहिए, तो ये हटा के या यहीं पे थोड़ा सा गैप दे के हम लोग इसमें चाहते हैं कि आपका सीट नेम भी शो करे। अगर सीट का नाम आपको डिफाइन करके रखे हैं तो आप यहाँ दिखाई देगा सीट टू, यहाँ पे देखिए आपको जो भी सीट है उसके हिसाब से आपको दिखाई देता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ये सारे ऑप्शन को डाल करके देख सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा हीडर फुटर में रहेगा। इसके अलावा पिक्चर भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर लिखे हुए हैं, कोई पिक्चर अगर डालने का मन है तो हम लोग पिक्चर भी डाल करके यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमारा हीडर फुटर में रहता है। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे लिखे हुए हीडर, नंबर ऑफ पेज, वन ऑफ पेज, सीट, कॉन्फिडेंशियल, ये इस तरह से लिखा हुआ आप चाहें तो इस टाइप से भी आप डाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि इस कॉर्नर में एक हम लोग यूज करके देखते हैं कि इसमें से कोई लेके देखते हैं इस टाइप से कि हम लोग ये कॉन्फिडेंशियल पेज वन या जो भी इसमें लिखा रहता है, आप इसमें स्टिक टू या इंटीगर पेज पेज वन करके आप डाल सकते हैं। ऐसे करके डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक लेगा। तो इसके हिसाब से देखिए पेज टू शो कर दिया, ये पेज थ्री शो कर दिया। तो ये हमारा हीडर फुटर का कंसेप्ट रहता है। तो हम लोग हीडर फुटर में डिफरेंट टाइप से कैसे पेज नंबर डालेंगे, कैसे डेट एंड टाइम डालेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो ये हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं। प्रिंट निकालने के समय में हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे। तो ये हमारा हीडर फुटर का कंसेप्ट है। तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं। इसको हम लोग पहले भी बनाए, हम लोग चाहें तो इसको बाद भी बनाए, उसके हिसाब से हम लोग हीडर फुटर डाल लेंगे। और प्रिंट आउट निकालने से पहले आप इसको देख सकते हैं प्रिंट करके। आप ये सब सेट कर लिए जगह जगह पर, जो भी ऑप्शन था वही ऑप्शन सेम फुटर में भी है, फुटर में भी दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हम लोग फुटर में भी डाल लेंगे। तो ये चीज़ हमारा आज का रहा वीडियो, आज का कंसेप्ट रहा कि हम लोग ये MS Excel के अंदर में हीडर फुटर का कंसेप्ट हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कैसे डालेंगे। आप चाहे तो इसका प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हमारा कैसे दिखेगा। ये देखिए जब हम प्रिंट निकालेंगे तो हमारा पेज नंबर वन यहाँ दिखेगा, पेज के फुटर में यहाँ दिखेगा, जितना पेज रहेगा उसके हिसाब से आपको दिखेगा। और जैसा दिखेगा, हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रिंट कैसे निकालेंगे, पेज सेटअप कैसे करेंगे। आशा करते हो वीडियो आप अगर देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं आया है तो आप उसको देख सकते हैं। पेज सेटअप का कंसेप्ट ये सब बताए थे और प्रिंट आउट निकालना ही बताए थे। तो हमारा आज के इस वीडियो में रहेगा कि हीडर और फुटर हम लोग कैसे सेट करेंगे, इसका हमारा क्या यूज होता है, हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा कि MS Excel के अंदर में हीडर फुटर हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, हीडर फुटर का क्या काम रहता है। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दिखता है उसमें आप जाके ऑल कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आपको बनाए समय समय पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।